हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस जे अकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं कैलेंडर का पार्ट 3। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 2 पे अच्छे से बात कर लिया, बेसिक पे बात कर ली थी। डेट में डेज कैसे फाइंड करते हैं वो हमने सारा कुछ जान लिया, क्या फॉर्मूला था सारा कुछ बता दिया। मैंने आपसे भी कहा था कि जो फॉर्मूला है, जो कंसेप्ट मैंने बताया, बस एक बार करना है, बाकी जितने भी कैलेंडर क्वेश्चन है सारे उसी बेस पर मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पूरा इमेजिनरी डेट पर होने वाला है। किस पर होने वाला है? इमेजिनरी डेट पर। तो आप इस चीज़ को समझिएगा, इमेजिनरी डेट मतलब काल्पनिक तिथियाँ। ठीक है, चलो तो इसको कैसे समझना है, क्या करना है हम समझेंगे। चलो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने मंथ होते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। फिर आपको मैंने इनके कोड बताए थे कि कुछ नॉर्मल ईयर होते हैं तो कुछ लीप ईयर होते हैं। मैंने ये बात आपको बताई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ईयर के जो कोड थे 14402506146, और लीप ईयर के भी जितने थे वो भी 40250036146, ये गिवन था। फिर आप कहोगे यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लीप ईयर में एक का जनवरी का एक था तो जीरो हो जाएगा, फरवरी में चार था तो तीन हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, बस यही तो मैंने बताया था। फिर मैंने एक चीज़ और बताया था, सेंचुरी के रिगार्डिंग मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। देखो तो बताया था, इसे लिख दे रहा हूँ, फिर तुरंत मैसेज डेट में आऊँगा। अगर एक बजता है तो कोड आपको चार यूज़ करना था, रिमाइंडर अगर दो बजता था तो दो, तीन बजता था तो जीरो, अगर चार बचे, चार तो बच ही नहीं सकता था क्योंकि चार से डिवाइड करते थे, तो जीरो बचेगा तो उसका कोड कितना लिखते थे, छः। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए था, याद है ना ये चीज़ें। चलो तो आप सीधा मुद्दे पे आते हैं कि इमेजिनरी डेट को कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जामिनर इमेजिनरी डेट पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे वो बड़ा एग्जाम हो। ठीक है ना, तो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो एग्जामिनर ने बोला कि 15 अगस्त 1947 को अगर मंडे है, क्या है मंडे है, तो आपको बताना है 17 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा। अच्छा, एग्जामिनर ने ये अपने से कोई डेज दिया है, तारीख तो चलो ठीक है, डेट तो सही है, डेट तो क्या आपका सही है, लेकिन जो मंडे दिया है वो जरूरी नहीं कि सही हो। तो इसी को हमको क्या करना है ना, सॉल्व करना। कैसे आप देखेंगे, तो एक तरफ लिखेंगे एग्जामिनर, ठीक है, एग्जामिनर ने जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसको लिखेंगे। पिछला 15 अगस्त का महीना 8 होता है, 8 रख लिया। फिर 1947 एग्जामिनर ने इसका पूछा है, ठीक है। फिर हमें जिसका निकालना है, जो हमें निकालना है उसका हम लिख लेते हैं। तो 17 अप्रैल मतलब फोर्थ मंथ, और 2021 आपका इससे पूछा है, ये एक्चुअल है जो हमका जिसका आंसर देना है। तो आप समझिएगा, एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और एक एग्जामिनर ने अपने हिसाब से दिन दिया है और एक हमें निकालने को कहा है, तो इसकी मदद से हम वो निकालेंगे। चलो तो फिर आपको मैंने ये सिखाया था यहाँ पर कि आपको पाँच चीज़ें पता होनी चाहिए। तो डेट पता होनी चाहिए, मंथ पता होनी चाहिए, ईयर पता होना चाहिए, लीप ईयर पता होना चाहिए, और सेंचुरी, और इनको किससे डिवाइड करना था, सात से। तो डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी डिवाइडेड बाई सेवन। अरे यही तो करना था, यही करना था ना। चलो फिर अब देखते हैं इसको, उसको बाद में देखते हैं, अभी समझने के लिए केवल मैं। चलो चलो देखो, तो आप बोलोगे यहाँ पे डेट क्या, डेज क्या है, तो आप बोलोगे 15 है डेज। मंथ कौन सा है, तो मंथ बोलोगे 8 है, और 8 मंथ का कोड देखो मैंने यहाँ लिखा है अगस्त का 3। तीन दोनों केस में कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे 3 रख लिया, ठीक है। फिर ईयर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो ईयर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, तो लास्ट टू डिजिट। क्या लिखते थे, लास्ट टू डिजिट। तो फिर आप देखो ईयर क्या है, तो लास्ट टू डिजिट 47 था, 47 रख लेंगे। फिर आपको क्या चाहिए, लीप ईयर चाहिए। फिर आपको लीप ईयर चाहिए, ठीक है। चलो तो लीप ईयर कैसे आएगा, तो अब आप देखो लीप ईयर कैसे आएगा, तो जो लीप ईयर निकालना होता था हमें, वो लीप ईयर क्या करते थे, ईयर को, जो ईयर होता था उसको 4 से डिवाइड करते थे, और जो भागफल आ जाए, भागफल यानी कि क्वेश्चन जितना आ जाए उसी को हम लिख लेते थे। तो आप बताओ यहाँ पर ईयर कितना है, 47 है, कितना है, 47 है। अगर हम 47 को 4 टाइम्स अगर डिवाइड कर दें तो 11 टाइम में चला जाएगा, ये 3 बचेगा, 3 से इंपॉर्टेंट है कितनी बार जाता है, ये है। तो पहला क्वेश्चन इसलिए बेसिक से बता रहा हूँ, 11th आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। अब एक चीज़ और बचा है, सेंचुरी। सेंचुरी क्या होता था, मैंने आपको बताया था, सेंचुरी जो होती थी लास्ट टू डिजिट को इग्नोर करना था। तो लास्ट टू डिजिट को अगर आप इग्नोर करेंगे इसको, तो कितना बचेगा, 19, ठीक है।
तो 19 को अगर आप डिवाइड करते हैं 4 से तो ये 4 टाइम में जाएगा 16, तो यहाँ कितना बच गया 3। तो मैंने कहा ये 3 जो बचता है वो रिमाइंडर होता है। 3 क्या होता है? रिमाइंडर। और फिर मैंने आपको ये बताया अगर 3 बच जाता है, अगर 3 बच जाता है तो मैंने बताया 3 बच जाता है तो सेंचुरी में रिमाइंडर जो बचता है आपका उसका कोड यूज़ करते हैं 0। तो 3 बचा है तो 0 यूज़ कर लेंगे। कितना यूज़ कर लेंगे? 0। ठीक है, अब यही तरह यहाँ पे जल्दी करेंगे। डेज कितना है? 17। मंथ क्या है? 4। मंथ क्या है? 4। तो आप बोलोगे 4 मंथ का क्या कोड होता है? तो 0, हमने 0 रख लिया। ठीक है, चलो फिर हमने कहा ईयर कितना है? तो लास्ट 2 डिजिट ईयर बोलते हैं 21। आप बोले लीप ईयर क्या होता है? बोले ईयर को डिवाइड करो जितनी बार जाए उतना ही रखना है, तो इसको डिवाइड करो 4 से तो 5 बार जाएगा, तो आप 5 यहाँ रख लो। ठीक है, फिर सेंचुरी क्या होती थी? लास्ट 2 डिजिट इग्नोर कर दो। जैसे इग्नोर करो कितना? अच्छा 20। 20 को 4 से डिवाइड किया तो पूरा कट गया। पूरा कट गया मतलब रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं। नहीं बचा तो क्या ले लेंगे? 6। चलो तो हमने कहा 6 डिवाइड भी हमने कहा 7। ठीक है, चलो हमने कहा इसको काटना चालू करेंगे तो 42 कट जाएगा। देखो अगर नहीं आ रहा है ये तो रिमाइंडर थ्योरम जाके देखो मैथ का, है ना, एसजे अकेडमी मैथ बाई जय सर कर, तो आपको रिमाइंडर थ्योरम वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, चलो तो 47 है। अगर आप इसको काटोगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा ना? 5। ठीक है, फिर आप यहाँ से काटो कितना बच जाएगा? 1। अब एक चिंता नहीं, यहाँ से काटो कितना बच जाएगा? 4। तो बोलोगे 4 ये हो गया, 4 ये हो गया और 3 ये हो गया, तो 4 3 7 ये भी कट गया। ठीक है, बचा कितना? 5 और 6, मतलब 6 डे आना चाहिए था। कितना दिन आना चाहिए? 6 डे। चलो इसका देखते हैं, इसको मैंने काटा कितना बच गया? 3। इसको काटा तो पूरा कट गया। फिर इसको देखो 5 है कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 11। 11 3 कितना हो गया? 14। तो आप बोलोगे 14 को अगर मैं 7 से काटूंगा तो पूरा कट जाएगा, यहाँ दिन बचा? कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा। फिर आपको यहाँ देखो समझने वाली बात यहाँ ये है, यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि एग्जामिनर भाई साहब ने इस डेट को मंडे माना था और इसको निकालने को कहा था। तो आपको एक बात बताओ, हमारे हिसाब से तो पहला दिन संडे होता है, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे ही तो होता है। हमारा पहला दिन क्या होता है? संडे होता है। एग्जामिनर ने क्या बोला था ना, इस डेट को उन्होंने मंडे माना था। क्या माना था? मंडे माना था, मंडे माना था एग्जामिनर ने। लेकिन हमारे हिसाब से क्या है? 6 डेज। 6 डेज का मतलब क्या होता है? फ्राइडे। तो हमारे हिसाब से फ्राइडे आया। क्या आया है? फ्राइडे आया। क्या आया है? फ्राइडे। यहाँ पे क्या आया? 0। तो सातवां दिन बोलो चाहे 0 बोलो, उसको हमेशा शनिवार मान के चलते हैं। ठीक है, अंतिम दिन हमेशा क्या होता है ना? शनिवार। चाहे 7 बोलो चाहे 0 बोलो, बात वही आएगा, क्योंकि 7 रिमाइंडर कभी बच ही नहीं सकता, पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे तो हमारे हिसाब से यहाँ पे जो आया था वो क्या आया ना? सैटरडे आया। ठीक है, अच्छा ये सैटरडे आया हमारे हिसाब से। तो एग्जामिनर ने मतलब झूठ बोला है, एग्जामिनर ने बोला है कि मंडे होना चाहिए, लेकिन नहीं तो आ तो फ्राइडे रहा है, आ तो फ्राइडे रहा है। मतलब एग्जामिनर ने झूठ बोला है तो हमको भी जो जवाब देना है वो झूठ का ही देना है, हमें भी जो जवाब देना है किसका देना है? झूठ का ही देना है। तो भैया मंडे बोला था, आया फ्राइडे है, इसका मतलब ये है आया अगर सैटरडे है। समझिएगा, फिर से आपको शॉर्ट तरीके समझा देता हूँ मैं, चलो समझ जाओगे। एग्जामिनर का मंडे है और हमारा आया यहाँ पे फ्राइडे है, समझ के चलिएगा। तो हमारा जो आया है वो क्या है? सैटरडे है। बात समझ रहे हो ना? ये एग्जामिनर का हो जाएगा और ये एक्चुअल हो जाएगा जो आया हुआ है हमारे हिसाब से, जो हम फाइंड किए हैं, जो हम फाइंड एग्जामिनर का हो गया और ये हमने जो फाइंड किया वो हो गया। तो फिर ये हमने जो फाइंड किया है वो हो गया, लेकिन फाइंडर नहीं पूछ रहा, एग्जामिनर वाला हमें जवाब देना है, मतलब एग्जामिनर वाला हमें देना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप समझिएगा इस चीज़ को। अगर यहाँ मंडे है तो ट्यूसडे हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, थर्सडे, और फिर क्या हो जाएगा? फ्राइडे। मतलब इन दोनों के बीच में 3 दिन का अंतर आना चाहिए। मतलब यहाँ पे सैटरडे है तो फ्राइडे आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा, फिर आपका वेडनेसडे आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा ना? ट्यूसडे। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। तो आप बोल सकते हो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। तो एग्जामिनर जैसा पूछे आपको वैसा ही जवाब देना है, वैसा ही आपको जवाब देना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो एग्जामिनर ने बोला 11/11/1992 को हमने दे दिया है संडे। क्या दे दिया है? संडे। चलो इसको एक तरीके से लिखते हैं डायरेक्ट समझाने के लिए आपको, आप समझ जाओ। चलो एग्जामिनर ने बोला 11/11/1992 को हमने आपको मंडे दिया है। क्या दिया है? मंडे दिया, एग्जामिनर ने दिया ये चीज़। ठीक है, चलो फिर आपसे निकालने को कह रहा है कि आप निकाल दो 21/7/2030। ठीक है, इस दिन का आपको निकालना, एग्जामिनर बोल रहा है। तो आप बोलोगे निकाल लेंगे हम, कोई दिक्कत है नहीं, इमेजिनरी डेट है तो एग्जामिनर के हिसाब से निकाल लेंगे। आपको क्या करना है? डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी डिवाइडेड बाई 7। डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी डिवाइडेड बाई 7। करोगे तो आ जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है ऐसी। ठीक है, तो आप करोगे तो आ जाएगा। चलो देखो, देखो तो स्टार्ट करते हैं। डेज क्या है? तो आप बोलोगे 11th है,
मंथ क्या है, 11 है, तो मैंने बोला 11th का कोड को बार बार नहीं करूँगा, आप देख लेना 11th का जो कोड होता है वो होता है 4, ठीक है, 11th का कोड क्या होता है वो होता है 4, चलो तो 4 रख लिया हमने। ईयर कितना है, लास्ट टू डिजिट ईयर है आपके, और लीप ईयर क्या है, तो ईयर को ही 4 से भाग करो, जितनी बार जाए तो 92 को 4 से डिवाइड करोगे ना 23 टाइम्स जाएगा। सेंचुरी क्या है, लास्ट टू डिजिट को इग्नोर करोगे तो 19 आएगा, 19 को 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर आपका 3 बचेगा, और जैसे ही 3 बचे तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही रिमाइंडर अगर 3 बचे तो 3 का कोड लिखेंगे 0, एक भी बच सकता है, 2 भी बच सकता है, नहीं भी बच सकता, अभी 3 बचा है तो आप 0 यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो तो आप बोलोगे 0 डिवाइड बाय क्या कर दिया 7। चलो फिर एक चीज़ ध्यान समझते हैं, इसको पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा इसको काट दिया तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ से काट दिया तो यहाँ से भी आपका 4 बचा, ठीक है। फिर यहाँ से हमने डिवाइड किया तो यहाँ से 2 बचा, तो आप बोलोगे 4 2 6 और 1 7, ये पूरा 7 तो कट गया, बचा सिर्फ 4। तो हमारे हिसाब से जो आया है ना, समझते जाइएगा, हमारे से देखो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो हमारे हिसाब से जो आया है, हमारे हिसाब से एक्चुअल आना चाहिए था, वो आना चाहिए था वेडनेसडे, लेकिन एग्जामिनर ने क्या दिया ना मंडे, एग्जामिनर ने क्या दिया मंडे, मतलब हमारे एक्चुअल डेट से एग्जामिनर 2 दिन पीछे है, बीच में ट्यूसडे आ रहा है, एक दिन पीछे, मतलब एक दिन के बाद दूसरा दिन हमारा है, ठीक है। तो मंडे अगर एग्जामिनर ने बोला है हमारे हिसाब से क्या है वेडनेसडे, हम तो करेक्ट है, एग्जामिनर ने झूठ बोला है, इसीलिए इसको इमेजिनरी डेट काल्पनिक तिथि बोलते हैं। एज्यूम कर लिया कि मान लो अगर इस तारीख को, या बोल सकते हो 11/11/1996 को अगर संडे रहा होगा, तो आने वाले समय में या आने वाले जो फ्यूचर में डेट है 11/11/2050, उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा। अगर एग्जामिनर झूठ बोल रहा है तो आप झूठ बताएंगे, एग्जामिनर अगर सही पूछ रहा है तो आप सही बताएं, यही इमेजिनरी डेट का कंसेप्ट होता है। फिर यहाँ देखेंगे, चलो तो डेज क्या है 21 आप रख लेंगे, मंथ क्या है 7, 7 मंथ का कोड क्या होता है मोबाइल नंबर, जैसा रट लो मैंने पहले ही बोला जुलाई 0, चलो 0। ईयर कितना है, लास्ट टू डिजिट ईयर होता है, और लीप ईयर क्या होता है, ईयर को ही 4 से भाग करो जितने टाइम्स है उतना रखना है। सेंचुरी क्या है 20 है, 20 को अगर आप देखो लास्ट टू डिजिट इग्नोर करोगे तो 20 आएगा, 20 को 4 से भाग करोगे पूरा कट जाएगा, और जैसे ही पूरा कट जाए तो आपको पता है कि अगर कोड हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचता तो कोड 6 लेते हैं, तो हमने कोड यहाँ से क्या ले लिया 6। चलो चलो डिवाइड बाय क्या कर दिया 7, तो आप बोलो सर ये तो पूरा कट गया 21, ये भी 7 पूरा कट गया, यहाँ से किया तो 2 बचा, तो 6 2 कितना हो गया 8, फिर 8 को आपने 7 से भाग किया तो यहाँ कितना बचा 1। तो आप बोलोगे तो इसके हिसाब से, इसके हिसाब से देखो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो इसके हिसाब से जो आंसर आया है ना, देखो पहला दिन, पहला दिन मतलब होता है संडे आया है। आप एक चीज समझने की कोशिश ये करना, हमने जो निकाला है वो ये था और एग्जामिनर ने जो दिया था वो ये था, हमने जो निकाला वो ये था, एग्जामिनर जो देगा हमें हमें पता करना है, ठीक है। तो चलो तो आप बोलो हमें एक्चुअल से जो हमने निकाला उससे हमें 2 पीछे जाना है, हमें 2 क्या करना है पीछे जाना, 2 पीछे जाना, याद रखना हमने जो निकाला है एग्जामिनर को पाने के लिए पीछे जाना पड़ रहा है, अभी पीछे जाना पड़ रहा है, हो सकता है बाद में आगे जाना पड़े तो आगे जाएंगे, अभी पीछे जाना पड़ रहा है तो हम पीछे जाएंगे। अभी हमने निकाला तो कितना आया संडे, इससे पीछे जाएंगे तो ये सैटरडे को छोड़ देना तो फ्राइडे आपका क्या हो जाएगा ना आंसर, फ्राइडे आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 दिन का गैप होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में 1 दिन का गैप होना चाहिए। अब देखना एग्जामिनर की मंडे था तो ट्यूसडे छोड़कर वेडनेसडे हमारा आया, एग्जामिनर अगर फ्राइडे था तो सैटरडे छोड़कर संडे हमारा है, ऐसे ही तो आया, रोटेट करते ना अभी। चलो इसका आंसर आ गया, क्या आ गया, तो आप बोलेंगे फ्राइडे, क्या चुका है फ्राइडे, तो एग्जामिनर पूछना चाह रहा था जो फ्राइडे, ठीक है तो निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको समझा रहा बहुत आराम से, आप लगाओगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर एक डेट और लेते हैं 24/2021, ठीक है, चलो और थोड़ा लंबा ले लेते हैं ताकि आपको याद रहे 7/12। चलो इस डेट को एग्जामिनर ने बोल दिया है कि भैया ये डेट क्या है ना फ्राइडे का है, कैसा है फ्राइडे, तो आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है 20 January 1742, मतलब इस डेट को आपको फाइंड करना है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ स्पीड की बात है और कुछ नहीं, डेट है मंथ है ईयर है लीप ईयर है सेंचुरी डिवाइडेड बाई 7, एग्जाम में लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं, आपको प्रैक्टिस कराना, आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ईयर लीप ईयर सेंचुरी डिवाइड बाई क्या है 7, ठीक है। चलो फिर हमको ये समझ में आया यहाँ पे कि डेट क्या है 20, हमने 20 रख लिया, मंथ क्या है तो आप बोलोगे 4, फोर्थ मंथ क्या होता है 144025, तो फोर्थ मंथ 0 होता है आप 0 रख लेंगे। फिर आप बोलोगे ईयर क्या है तो लास्ट टू डिजिट ईयर है, और लीप ईयर क्या होता है ईयर को जो ईयर आता है उसी को 4 से भाग करते हैं जितने टाइम्स आए, मान 3 टाइम गया 3 टाइम्स लिख लेंगे। सेंचुरी क्या होता है लास्ट टू डिजिट इग्नोर करो तो 7 बचता है, 7 को 4 से डिवाइड करोगे ना तो 3 बचेगा,
और मैंने बोला एक बच्चे तो कोट चार रखते हैं, दो बच्चे तो दो, तीन बच्चे तो जीरो, तो तीन बच रहा है तो आप यहाँ क्या रख लोगे, जीरो डिवाइड बाई क्या कर दोगे, सेवन, ठीक है चलो। तो आप बोले सो अगर मैं काट दूँ यहाँ से तो ये बोलोगे छः बचेगा, ठीक है, फिर यहाँ से काट दूंगा तो यहाँ कितना बचेगा, पाँच बचेगा, तो पाँच छः ग्यारह तीन चौदह, बोलो सिक्स फाइव इलेवन थ्री फोर्टीन, तो फोर्टीन से सात से पूरा कट जाएगा, तो यहाँ से बोलोगे क्या है ना जीरो, जीरो का मतलब क्या होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से पहला दिन जो होता है वो संडे होता है, पहला दिन जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है ना, तो बोलेंगे संडे होता है, ठीक है चलो। तो पहला दिन हमारे हिसाब से संडे होता है, और जस्ट अंतिम दिन सातवां और लास्ट डे बोलोगे तो होता है सैटरडे का दिन, याद रखना, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे और फिर फ्राइडे, ऐसे करके होता है। तो एग्जामिनर ने जो अभी फाइंड किया था ना वो फ्राइडे बोला था, एग्जामिनर ने जो बोला था वो फ्राइडे बोला था, लेकिन हमने जो फाइंड किया है वो जस्ट सैटरडे फाइंड कर दिया, हमने सैटरडे फाइंड कर दिया। अब यहाँ देखते हैं, तो डेट क्या है, 20 है, मंथ क्या है, जनवरी। तो आपको याद रखना है क्या ये लीप ईयर है क्या, जनवरी फरवरी में तो लीप ईयर ध्यान देते हैं तभी तो एक कोड कम हो जाता है, तो जनवरी फरवरी में अगर ध्यान देंगे लीप ईयर है कि नहीं, तो 42 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 42 को चार से भाग करोगे ना तो दो रिमाइंडर हो जाएगा लीप ईयर है नहीं, नहीं लीप ईयर है तो कोड वाई सिंपल 144 वाई यूज करोगे मोबाइल नंबर जो आपका है, ठीक है। तो आप लोग जनवरी का कोड क्या होता है 1, फिर ईयर कितना आ गया 42, इसी ईयर को चार से डिवाइड करोगे 10 बार में जाएगा, लीप ईयर क्या हो जाएगा 17, 17 को अगर आप चार से भाग करोगे ना भाई, सेंचुरी क्या होता है लास्ट टू डिजिट इग्नोर, तो बचा क्या 17, तो 17 को अगर आप दो से भाग करोगे ना, चार से भाग करोगे, 4 4 16, एक कैरी बच जाएगा, और मैंने बोला कि अगर एक बच जाता है तो एक सेंचुरी में अगर रिमाइंडर एक बच जाए तो एक का कोड चार होता है, मैंने आपको ये पहले से ही बता के रखा है, ठीक है चलो। तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा ना 4 डिवाइड बाई 7, ये पूरा कट जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें। आप बोलोगे यहाँ से क्या बच जाएगा तो 6 बच जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा तो आप बोलोगे 3 बच जाएगा, 4 3 7 कट गया, यहाँ बचा 6। तो बोलो 6 डेज को हम लोग क्या बोलते हैं ना फ्राइडे, 6 डेज को क्या बोलते हैं ना फ्राइडे। अब एक चीज़ आपको यहाँ समझने वाली फिर से बात आ गई, देखो बहुत छोटा नहीं करूँगा ताकि आप समझ सको, ठीक है चलो। देखो हमारे हिसाब से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, लेकिन एग्जामिनर ने जो पूछा तभी नहीं पता, लेकिन हमने जो निकाला वो क्या आया, फ्राइडे आया। बड़ी अच्छी बात यहाँ पे है कि एग्जामिनर ने यहाँ फ्राइडे दिया था और हमने क्या निकाला था, सैटरडे, मतलब हमारे एक्चुअल डेट से एक दिन पहले एग्जामिनर का है, तो हमारे एक्चुअल डेट से एक दिन पहले जो होगा वो एग्जामिनर का हो जाएगा। तो आप बोलोगे ये जो आ जाएगा वो थर्सडे आ जाएगा, क्या आ जाएगा थर्सडे। तो आपको समझाने के लिए बातें मैं कर रहा हूँ, शायद आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से कर रहे हैं, ठीक है चलो। एक क्वेश्चन और देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, जैसे कोई भी एक डेट लेते हैं 19 फेब, फरवरी 2020 को अगर एग्जामिनर ने बोला कि भाई इस दिन क्या था ना, संडे था, आप कुछ भी ले सकते हो, तो घबराने वाली कोई बात है नहीं, तो घबराना नहीं है, ठीक है चलो। फिर एग्जामिनर ने आपसे जो पूछा है वो पूछा है जनवरी 15 जनवरी 19 बार बार बहुत देर से आ रहा है, आप 1840 रख सकते हो, ठीक है ना, इस डेट को आपको एग्जामिनर पूछ रहे हैं। तो आपने बोला बार बार वही लिखना है, क्या लिखना है, डेट है, मंथ है, ईयर है, लीप ईयर है, सेंचुरी। ऐसा क्यों लिखा रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए, हर एक डेट में पांच चीज़ होती, बेसिक यही है, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी डिवाइडेड बाय 7। अगर स्पीड आपकी तेज़ है तो बहुत तेज़ करोगे, बहुत तेज़, ठीक है, जैसे आपको रटा हुआ होना चाहिए, जैसे मान लो कि 19 तारीख है तो डेट आप 19 ही रख देंगे, फरवरी का मंथ जो होता है वो आपका लीप ईयर नॉन लीप ईयर दोनों में कोड चेंज होते हैं, तो आप बोलोगे क्या 20 लीप ईयर है, तो आप बोलोगे हाँ सर 20 लीप ईयर है, इसलिए जो फरवरी का कोड है वो ओरिजिनल कोड से एक कम हो जाएगा, फरवरी कोड ओरिजिनल कोड से एक कम हो जाएगा, 4 था तो 3 आ गया लीप ईयर में, तो यहाँ हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे, क्या रख देंगे यहाँ पे, चलो 3, ठीक है चलो। फिर ईयर क्या चाहिए, तो लास्ट टू डिजिट हमारा ईयर होगा, तो लीप ईयर क्या होगा, ईयर को ही 4 से भाग करो, जितनी बार जाए वही आपका लीप ईयर होगा। फिर सेंचुरी क्या चाहिए, तो लास्ट टू डिजिट को इग्नोर मारो आप, तो बचा 20, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, और जब पूरा कट जाए तो मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि जब पूरा कट जाए तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो उसका कोड 6 यूज़ करना है, उसका कोड क्या यूज़ करना है आपको 6, चलो। तो आप बोलोगे यहाँ पर हमने 6 यूज़ किया, डिवाइड बाई क्या किया 7, अब 7 से इसको डिवाइड करना है, चलो देखो 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा 6 बच रहा है, ठीक है, 6 5 कितना होता है 11, 11 3 कितना होता है 14, तो कैलकुलेशन तेज रखना, 6 5 11 3 14 है, पूरा पूरा 7 से कट गया 14, तो 19 को काटोगे यहाँ कितना बचेगा तो 5 5 6 कितना होता है 11, तो 11 को आप 7 से डिवाइड करो कितना बचेगा ना 4। तो आपके हिसाब से भैया 4 दिन आया, और मैं पहले ही बोला था आपको इस चीज़ को लेकर, आराम से बोला था इस चीज़ को लेकर कि भाई देखो डेट लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, चलो। तो
तो आपको पता है हमारे हिसाब से संडे होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आप उंगलियों पे भी मिला सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आपके हिसाब से क्या आया? तो चौथा दिन आया, तो चौथा दिन आपके हिसाब से क्या होता है ना? वेडनेसडे। लेकिन एग्जामिनर ने बोला था भैया संडे होना चाहिए था, तो ये तो एग्जामिनर का है, लेकिन ये जो आप निकाले सेम यही चीज़ यहाँ प्रोसेस देखते हैं हम। चलो तो डेज क्या है, 15 है, जनवरी देखते हैं क्या लीप ईयर है, तो 40 लीप ईयर होता है, और जैसे ही 40 को 4 से डिवाइड करो कट जाएगा, वो लीप ईयर है। तो मैंने बोला जनवरी में उसका कोड क्या यूज़ करते हैं, तो भैया जनवरी का अगर नॉर्मल ईयर में 1 होता है तो लीप ईयर में 1 कम 0 हो जाता है, यही चीज़ मैंने आपको बताया। चलो तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या है ना, जनवरी का कोड 1 कम हो गया तो 0 आ गया। ईयर कितना है? तो लास्ट 2 डिजिट, इसी ईयर को 4 से भाग करो, जितनी बार जाए वो आपका लीप ईयर है, मतलब 40 साल में कितने लीप ईयर आए, तो 10 लीप ईयर है, तो यही तो निकाल रहे हैं कब से हम लोग। सेंचुरी क्या है? लास्ट 2 डिजिट इग्नोर करो, 18 बचेगा, 18 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे ना 18 को, तो रिमाइंडर जो बचता है 2 बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है? 2। तो आपको मैंने बताया था यहाँ पे कि मान लो रिमाइंडर आपका 2 बचे, रिमाइंडर अगर 2 बचे तो कोड क्या यूज़ करते हैं? तो 2 यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? 2। चलो तो आप बोलोगे यहाँ पे हमने रख लिया 2 डिवाइडेड बाई 7, तो आप बोलोगे मैं यहाँ से डिवाइड करूँ तो 7 पचे 35 बचा 5, तो 5 रख लिया, 5 2 7 पूरा कट गया, 5 2 7 क्या हो गया? पूरा कट गया। तो यहाँ से काटा तो 1 बचा और यहाँ से काटा तो 3, तो आप बोलो यहाँ से भी मेरा क्या आया ना? तो 4 है। तो फिर आप समझ में आया कि भैया हमारा पहला दिन संडे होता है, फिर मंडे होता है, फिर ट्यूसडे होता है, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। एग्जामिनर ने जो बताया है उसको निकालने को पूछा था, लेकिन जो हमारा है वो चौथा दिन है, चौथा दिन हमारे हिसाब से क्या होता है ना? वेडनेसडे होता है। अब बड़ी अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर भी वेडनेसडे आया था, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वेडनेसडे आया है। अगर हमारा एक्चुअल आंसर दोनों का सेम है तो एग्जामिनर को झूठ बोलने का तरीका भी दोनों का सेम होना चाहिए। अब देखो वेडनेसडे से 1 2 पीछे गए तो तीसरा वाला क्या है ना? एग्जामिनर का आया, सेम हमें भी यही करना है। तो 1 2 छोड़कर जब लास्ट में जाओगे तो ये आपका एग्जामिनर वाला हो जाएगा। तो फिलहाल आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि इमेजिनरी डेट में क्या होता है कि एग्जामिनर कुछ भी बोल देता है, किसी भी डेट को कोई भी डेज दे सकता है, मतलब किसी भी तारीख को कोई भी दिन बता देगा। आपको उसको सही से प्रूव करके अपने आप को नहीं सही करना है, ना तो एग्जामिनर को गलत साबित करना है। एग्जामिनर आपके माइंड लेवल को चेक करना चाह रहा है कि अगर मैंने झूठ बोला तो क्या वास्तव में तुम पकड़ पाते हो क्या? अगर मैंने झूठा कैलेंडर बनाया है तो आप भी झूठा कैलेंडर का ही जवाब देकर चले आओ, है ना। अगर आपको सही बनाने का शौक है, आप कहते हो कि भाई इस डेट को कौन सा दिन रहा होगा, तो वेडनेसडे। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको ये तो सिखाया, एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ सकता है कि भैया 15 जनवरी 1947 को कौन सा दिन रहा होगा, तो उसमें कोई इमेजिनरी वहाँ पे डेज बताओ, चले आओ, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी अच्छे से कि इमेजिनरी डेट पर हम लोगों ने क्या क्या कवर किए हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। फिर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा कंसेप्ट, हम आराम से इस पर प्रैक्टिस लेंगे, आपको कराएंगे। तो ऐसे ही दोस्तों के साथ लगे रहिए, उनको बताते रहिए, और फ्री में कोई कंटेंट मिलता नहीं, लाइक वगैरह तो कर ही सकते हैं आप, है ना। लाइक करेंगे तो उन बच्चों तक भी पहुंचेगा जिनको वास्तव में ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, शायद उनको भी ज़रूरत है जो नहीं मिल पा रहा है उनको, उनको भी अगर मिलेगा तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि सही मायने में हमारा जो ज्ञान है उस बच्चों तक पहुँच रहा है जिनको वास्तव में ज़रूरत है। तो बहुत अच्छा लगता है अगर आप इस तरह सहयोग करेंगे उन बच्चों के लिए भी जो उसके काबिल है और वो चाहते हैं कि हमारा भी भविष्य बने। तो भविष्य में योगदान सबका होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए, तो सब लोग मिलकर देते हैं ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो ऐसे ही मुस्कराते रहे, हंसते रहे, चलिए धन्यवाद।